शिक्षा बोर्ड राजस्थान का 10वीं का परिणाम होगा आज घोषित। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह टोडा सर ने ट्वीट करके बताया, आज शाम 4 बजे होगा 10वीं का परिणाम घोषित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के कुल विद्यार्थी 11,79,830 परीक्षार्थियों ने दी थी परीक्षा। आज उनका तय होगा भविष्य, अब उनको आगे कौन से क्षेत्र में जाना है तय होगा। बाली के रंजन सराय पर पुलिस ने काटे बिना मास्क वाले व्यक्तियों के चालान। बाली में कोरोना का कहर, लोग कर रहे हैं लापरवाही। लापरवाही से तेजी से फैल रहा है कोरोना, इसलिए अब पुलिस आएगी सख्ती से पेश। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति दिखा तो पुलिस काटेगी चालान। सुमेरपुर की बांकली गांव की 32 वर्षीय महिला नसबंदी के बाद तबीयत बिगड़ी, 24 घंटे बाद मौत। मृतक के पति सुरेश ने सुमेरपुर थाने में FIR दर्ज करवाई, जिसमें राजकीय अस्पताल व चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाया। थाना अधिकारी ने मृतक भमरी देवी का शव बांगड़ अस्पताल के फॉरेंसिक लैब मेडिकल बोर्ड को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिससे सही से जाँच हो सके। सुमेरपुर में ट्रैफिक जाम लगना आम बात है, इसी के निवारण के लिए सुमेरपुर नगर पालिका ने नई मुहिम चलाई। अब प्रतिदिन आएगा अतिक्रमण विरोधी दल। अतिक्रमण विरोधी दल द्वारा सड़कों से हटाया जाएगा अतिक्रमण। सुमेरपुर के सड़कों पर दुकानदारों द्वारा अपना सामान सड़कों पर रखकर अतिक्रमण करते हैं, जिसकी वजह से रोड की चौड़ाई कम हो जाती है, जिसे ट्रैफिक जाम हो जाता है। अब प्रतिदिन अतिक्रमण विरोधी दल सुमेरपुर बाजार में आकर अतिक्रमण हटाएंगे। यह तब तक चलता रहेगा जब तक दुकानदार अपनी आदतन में सुधार ना लाए। बालीकोट पालियान गांव के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडियन कॉर्पोरेशन पंप कोट पालियान के मुख्य दरवाजे पर एकत्रित होकर कर्मचारियों ने नारेबाजी करके अपनी मांगे रखी। बीजापुर के निकट सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर मौत व एक घायल। बाइक सवार द्वारा गाय से टकराने से हुआ हादसा, एक की मौके पर मौत हो गई व एक घायल। सूचना मिलते ही बीजापुर पुलिस चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों युवक देसूरी के बताए जा रहे हैं। घायल की अभी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मृतक का शव बाली मोर्चरी देर शाम लाया गया।